अखिलेश ये भेड़े कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगी हैं। क्या बताऊं, दो लोगों से संभले नहीं संभलती हैं। इन भेड़ों के साथ मैं भी डंडा लेके चल रहा हूं और तुम भी डंडा लेके चल रहे हो, लेकिन फिर भी ये इधर उधर भागी जा रही हैं। मोदी जी क्या बताऊं, मैं तो आपके साथ ये भेड़ पालन करना ही नहीं चाहता था, बेफालतू में आपने मुझे अपने साथ इस काम पे लगा लिया। अब जब मैंने आपसे आपके साथ भेड़ पालन का बिजनेस कर ही लिया है, तो इन भेड़ों को चराने के लिए मुझे भी आपके साथ जाना पड़ता है। अच्छा अखिलेश एक बात बताओ, इन भेड़ों के बाल तो काफी बड़े हो गए, अब कटवा देते हैं भेड़ों के बाल? क्योंकि एक बहुत बड़े ऊन के व्यापारी आने वाले हैं, मैंने उन्हें फोन करके बुलाया है। अरे वो आ गए, देखो केजरीवाल जी। नमस्कार केजरीवाल जी, शहर से लगता है अभी चले आ रहे हो। मोदी जी बस अड्डे से उतर के तुरंत आप ही के पास चला आ रहा हूँ आपकी भेड़ के बाल खरीदने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, आपकी जो भेड़े हैं इनके बाल तो अभी कोई खास ज्यादा बड़े हुए हैं नहीं, कितने दिन पहले आपने इन भेड़ के बाल कटवाए थे? अरे केजरीवाल जी, अभी मैंने एक ही महीना पहले इन भेड़ों के बाल कटवाए थे, अब एक महीने में कोई खास ज्यादा बाल बड़े नहीं इन भेड़ों के। तो मोदी जी आपने मुझे क्यों परेशान किया, एक महीने में ये बताओ इतने ज्यादा बाल थोड़ी बढ़ जाएंगे कि दोबारा कटने लगे भेड़ों के बाल? कम से कम आपको मुझे 6 महीने में बुलाना चाहिए था, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपको मुझे साफ साफ ये बताना चाहिए था फोन पे कि भेड़ के बाल 1 महीना पहले कटे, तो मैं आता ही नहीं यहाँ पे, अब मुझे बेफालतू में यहाँ से खाली जाना पड़ेगा। तो भाई साहब खाली ऐसे क्यों जाओगे, ऐसा करो हमारे यहाँ नाश्ता पानी करके जाना, और वैसे अगर आपको भेड़ के बाल ही चाहिए ज्यादा दिनों के, तो वो देखो लालू जी जा रहे हैं उनसे पूछ लो, उनके पास 100 भेड़े हैं और उनकी भेड़ों के बहुत ही लंबे लंबे बाल हैं, कम से कम 1 साल से इन्होंने भेड़ के बाल नहीं कटवाए, आपकी अच्छी खासी ऊन बन के तैयार हो जाएगी। अगले तुम बेफालतू में मेरे ऊपर इन भाई साहब को क्यों टाल रहे हो, मैं अपनी भेड़ के बाल अभी तो कटवाना ही नहीं चाहता हूँ, अभी तो मैं कम से कम अपने भेड़ों के बाल 2 महीने में कटवाऊंगा, अभी तो भेड़ के बाल बहुत छोटे छोटे हैं। लालू जी एक बात बताओ, 1-1 साल के भेड़ के बाल हो गए आपके, फिर भी आप भेड़ों के बाल कटवाने से मना कर रहे हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चलो मोदी जी कोई बात नहीं है, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये भाई साहब अपने भेड़ों के बाल अभी नहीं बेचना चाहते तो मैं खाली लौट जाता हूँ, आपकी भेड़ों के बाल 5 महीने बाद खरीदने के लिए आ जाऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।